नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रात की बची रोटी का नाश्ता। ये इतना टेस्टी बनता है कि अगर आपने अपने बच्चों को खिला दिया, परिवार वालों को खिला दिया, तो वो हमेशा एक्स्ट्रा रोटी बनवाएंगे और सुबह के टाइम इसी नाश्ते को बनवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। बासी रोटी का नाश्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने छोटे साइज की 3 प्याज लिए, 1 टमाटर और 1 नींबू लिया है। तो प्याज को हम लंबा लंबा काट लेंगे इस तरह से। हमने तीनों प्याज काट लिए और टमाटर को भी हम छोटा छोटा काट लेंगे। यहाँ मैंने आधा ही टमाटर लिया है क्योंकि टमाटर थोड़ा बड़ा था, अब मेरे पास रोटियाँ 3 ही हैं। तो हमने टमाटर भी काट के तैयार कर लिया है। मेरे पास रात की ये 3 रोटियाँ रखी हुई हैं, तो आज हम इसी का नाश्ता बनाएंगे। तो पहले हम इनको बिल्कुल छोटा छोटा तोड़ लेते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े हम टुकड़े नहीं करेंगे, जिससे कि खाने में अच्छे लगेंगे, ना ज़्यादा बड़े ना छोटे। ये देखिए, इस तरह के हमें इसके टुकड़े तोड़कर तैयार करने हैं। आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं या मेरी तरह इस तरह से हाथों से तोड़ भी सकते हैं। ये देखिए, मैंने सारी रोटी तोड़कर तैयार कर ली है। अब चलते हम इसका नाश्ता बना लेते हैं। यहाँ गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में डाला है 1 चम्मच तेल। यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया, तो डाल देंगे पहले हींग, आधा चम्मच जीरा। जब हमारा जीरा भुन जाएगा तो हम अपनी प्याज को डाल देंगे और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। जब यहाँ हमारी प्याज भुन जाएगी तो हम डाल देंगे अपने टमाटरों को। टमाटरों को भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच से कम लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार दे सकते हैं, क्योंकि रोटी में भी हमारी में नमक है। अगर आप नमक नहीं डालते रोटी में तो आप थोड़ा ज़्यादा डालें। 1/4 चम्मच में इसमें गर्म मसाला पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। अब सब चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं हम। यहाँ हमारे सभी मसाले भून गए हैं, तो गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और 2 चम्मच इसमें मैं दही डाल रही हूँ। अब दही को भी डालकर जब तक मिलाएंगे जब तक कि तेल अलग ना हो जाए। लगातार चलाते रहेंगे जिससे हमारी दही फटेगी भी नहीं। यहाँ देखिए, हमारा मसाला भुन गया, दही भी भुन गई है। ये देखो, तेल अलग कर दिया इसने। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास से थोड़ा कम हम पानी डालेंगे इसमें। अब पानी में एक अच्छा सा उबाल आने देंगे हम। यहाँ देखिए, पानी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। तब हम अपनी रोटियों को डाल देते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। अब हम अपनी रोटियों को पका लेते हैं इसमें। इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इनको पका लेंगे।
ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, बस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे हम। अब आधा नींबू का रस डालेंगे इसमें। अगर आपके नींबू में रस कम हो तो आप पूरा नींबू डाल सकते हैं। हम ऊपर से डाल देंगे एक चम्मच घी, इसको भी मिक्स कर देते हैं। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है।